Oh, my God.
हरे कृष्ण नारद मुनि बजाए बिना कीर्तन भाग दे दे राधिका रमण नामे नारद मुनि बजाए Oh,
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दियवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीसह गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमान महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य को विश्व रूप दर्शन कराया, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी सूत्र में समझ गए महाप्रभु विश्व रूप दर्शन दे रहे हैं। इतने में श्रीमान नित्यानंद प्रभु भी भागते भागते आए और उनने दरवाजा को जोर जोर से दरवाजा को खटखट करने लगे। जब उन्होंने दरवाजा खोले इन्होंने भी नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु का जो विश्व रूप ब्रह्मांड का स्वरूप है उन्होंने विराट रूप को उन्होंने भी दर्शन किया और दर्शन करते हुए श्रीमान नित्यानंद प्रभु उन्होंने महाप्रभु का चरण में दंडवत प्रणाम उन्होंने किया है, हैं? और श्रीमान महाप्रभु बोले नित्यानंद जो व्यक्ति तुम्हें भक्ति करते हैं वो व्यक्ति मुझे भी भक्ति करते हैं और जो व्यक्ति तुम्हें भक्ति नहीं करते हैं वो व्यक्ति मेरे को भी भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे पंचविंश अध्याय। इस अध्याय में बोले मध्य खंड कथा भक्ति रसेर निदान नवद्वीपेज क्रीड़ा कैला सर्व प्राण जत क्षण प्रचुर आनंद नृत्य है तत क्षण दुखी पुण्य बती जलवहि। एक दिन प्रभु नाचे श्रीवास मंदिरे तैवे व्याधि जोगे गृह श्रीवास नंदन परलोक हैले ने देख नारी गण। श्रीमन महाप्रभु
जब श्रीवास अंगन में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, हम लोग ने कल श्रवण किया था कैसे श्रीवास पंडित का घर में एक दासी थी जिसका नाम थी, क्या नाम थी, दुखी। वो रोज रोज गंगा पानी ला करके महाप्रभु की स्नान के लिए व्यवस्था करती थी। महाप्रभु बोले इसका नाम क्या है, बोले दुखी। बोले दुखी क्यों, इसका नाम आज से सुखी है, दुखी नहीं, आज से इसका नाम सुखी है, इसलिए दुखी इसका नाम क्यों, इसलिए जिसको सुन करके भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। तब से श्रीवास पंडित उसको अपना सेविका रूप में दर्शन नहीं करते थे, क्योंकि जो महाप्रभु जिनका नाम सुखी रखे और महाप्रभु के लिए रोज रोज सुंदर सुंदर घड़े में जो पानी भर करके लाती थी, इसलिए यहाँ पर उनका नाम महाप्रभु ने सुखी नाम रखा। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही भगवत प्राप्त होता है, इसलिए प्रेम जोग सेवा कर ले कृष्ण पाए, माथा मुड़ाई ले बजबदंड नायड़ाए। केवल भक्ति को द्वारा ही भगवत प्राप्त होता है, केवल सिर को मुंडन करने से जम दंड कोई टाल नहीं सकता है। मैंने भगवान की भक्ति करना ही यही मैन है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं कुल जाति पांडित्य सब कुछ छोड़ करके एक मन से एकदम सरल चित्त होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसी से ही जीव का परम कल्याण और परम मंगल है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के घर में मंदिर में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, लेकिन नृत्य करते 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 हठात दैव व्याधि योग्य गृह श्रीवास नंदन परलोक हई लेने देखो नारीगण। महाप्रभु जब परिकरों के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, श्रीवास पंडित का एक बेटा था, किसी कारण से कोई व्याधि था, वो व्याधि की वजह से उसने अपना शरीर को छोड़ दिए। जब शरीर छोड़ दिए, जितने सब घर के वो तो चार भाई थे, चार भाई के उनका चार पत्नियां भी और उनको बच्चे भी, जब देखा वो बच्चा ने शरीर छोड़ दिया और जितने परिवार के लोग थे रोने लग गए, क्योंकि उसका उम्र बहुत कम उम्र था। अभी श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ नृत्य कीर्तन कर रहे थे, जब उन्होंने देखा घर में रोना धोना, तब श्रीवास पंडित उन्होंने प्रणाम किया कीर्तन को, प्रणाम कीर्तन करते हुए उन्होंने आ करके देखा उनको एक लौता जो बेटा था उसने शरीर छोड़ दी। जब उन्हें शरीर छोड़ दिया देखा, लेकिन कहते श्रीवास पंडित कौन है, कहते वैसे तो कृष्ण लीला में नारद है, वो तत्व ज्ञान, वो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व जानने वाले, क्या तत्व जानने वाले, इसलिए शरीर कौन छोड़ता है, बांसासी जिरनानी जथा भी है नवानी गिरनानी नरो परानी है, याद है ना। इसलिए जैसे एक वस्त्र पुराना हो जाने पर हम पुराना वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते, उसी तरह ये आत्मा भी क्या करता है, पुराने शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसमें दुखी नहीं होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति दुखी नहीं होते। जैसे उदाहरण क्या दिया है, जैसे बचपन के बाद में पहले युवावस्था, युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था आती है, उसी तरह ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ करके नया शरीर को धारण करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दुखी नहीं करते, क्यों, बोले न जायते न मृयते अजो नित्य शाश्वत अयम पुरा न हन्नते हन्नवान शरीरे। इसलिए ये छह विकार से, ये आत्मा छह विकार से अतीत ये आत्मा है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम ग्लदंत न सुसेतिमार। अतएव यदि इसको आग में जलाया नहीं जा सकता, अस्त्र से काट नहीं सकते, पानी में फेंकता नहीं, वायु से
में सुप्ता नहीं, ये जो आत्मा है ये इससे अतीत ये आत्मा है। इसलिए श्रीवास पंडित तब तो ज्ञान है, वो जानता है ये बात को। इसलिए कौन शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा कौन, किसने शरीर छोड़ा है, है? इसलिए केवल एक शरीर से उसने बदला करके उसने दूसरे शरीर में प्रवेश किया है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर नित्य, तब तो सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए सप्तम स्कंध में एक सुंदर कथा आती है, बोले एक समय है, एक समय जिस समय भगवान बराह अवतार लिया और बराह अवतार लेकर के उन्होंने हिरण्याक्ष को बंद किया, बंद करने पर हिरण्याक्ष की जितने उनको पुत्र परिवार सब बैठ बैठ करके रो रहे थे, हैं, बैठ बैठ करके रो रहे थे सबके सब। इतने में हिरण्यकश्यप ने सबको समझा रहा था, हिरण्यकश्यप बड़े तत्व ज्ञान, हिरण्यकश्यप राक्षस से समझा रहा था, हैं, बड़े सुंदर उपदेश दे करके समझा रहा था। उन्होंने समझाते समझाते उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, क्या स्टोरी है बोलो, क्या स्टोरी है बोलो, क्या स्टोरी है? इसलिए उन्होंने उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी ये था, बोले एक समय सुजग्य नाम के एक राजा थे, कहते तो राजा बड़ा पराक्रमी था, एक देश के पास में दूसरे दूसरे से तीसरे ऐसे युद्ध करते करते अपना देश में राज्य का राज्य मिला जा रहा था, बड़ा पराक्रमी था। लेकिन जहाँ एक सर कहीं ना कहीं सवा सर मिल जाते, सवा सर मिल जाते, मतलब अगर हम इतना पराक्रमी हो सकता है हमसे भी कोई ज्यादा पराक्रमी हो, सवा सर से मिल गए तो उसने युद्ध करते करते जो सवा सर वाला था ऐसे मारा, एकदम सुजराजा सुजग गलक उन्होंने काट दिए। जब काट दिए अभी उन्होंने बहुत उनकी स्त्रियां थी, क्योंकि एक राज्य में दूसरे दूसरे से तीसरे राज्य को राज्य जय करते जा रहे थे, फिर राजकुमारियों से शादी करते जा रहे थे और उनको बच्चे बच्चे पत्नियां, उनको पिता माता भी है। अभी सबके सब बैठ करके सबके सब सुजग के बीच में लेटा हुआ सब बैठ बैठ करके सबके सब रो रहे। जब रो रहे थे इतने में अभी जमदूत उनको लेने के लिए आए, जब जमदूत लेने के लिए आए लेकिन उनको ले नहीं पाए। बोले क्यों नहीं ले पाए, कहते उनके एक पत्नी थी जो गले में तुलसी गट्ठी पहनी थी, तिलक लगाई हुई थी गले में तुलसी गट्ठी, भजन करने वाली भक्ति करने वाली थी। वो क्या की थी, वो उनको शरीर के ऊपर में हाथ रख करके ना बैठे हुए थे। इसलिए जमदूत तो आए लेकिन उनको लेने का हिम्मत नहीं पड़ा। क्यों, उनको याद आया अजामिल का कथा। अरे अजामिल केवल उनने बेटे को नारायण नाम से बुलाया तो विष्णु तो आकर के हमें पिटाई क्या भगाया, और यहाँ तक भक्ति वैष्णव ही है। इसलिए उन्होंने वापस चले गए जम महाराज को पास में, बोले हम नहीं ला सकते हैं। बोले क्यों, बोले उनकी एक पत्नी है जिनके गले में कंठी तुलसी माला पहनी हुई तिलक लगाई हुई हरिनाम कर रही है और उसको पास में बैठी हुई हाथ शरीर में हाथ लगा कर गई, हम नहीं जाएंगे, हम डरते हैं, हम नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए। इतने में जम महाराज एक छोटा बालक बन कर गया, एकदम बच्चा 5 साल का छोटा बच्चा आकर के, तो उन्होंने बोले कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, यहाँ पर क्या बात है, क्यों बैठे बैठे कर रो रहे हो। उन लोगों ने कहा तू बच्चा क्या समझेगा, तू जा खेल कूद, तेरे समझ से बाहर है। इतने में वो बच्चा बोल पड़ा, तो यही बात है, मैं जिस चीज को समझ रहा हूँ वो चीज को आप लोग नहीं समझ रहे हो, जो चीज को मैं समझ रहा हूँ वह चीज को आप लोग नहीं समझ रहे हो। जो उन्होंने ये बात बोले, बोले बच्चा तो बड़ा आश्चर्य बात कहता है, हैं? बड़ा आश्चर्य बात, फिर पूछा बताओ क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो बैठ करके। बोले ये मर गया, क्या हुआ, मर गया। बोले मर गया, जैसे कोई कलकत्ता जाता है, कोई बम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है, फिर वापस आता कि नहीं, जाते वापस आता कि नहीं, मर गया मतलब मर नाम का स्थान में गया, फिर वापस आएगा वापस आएगा। इसलिए जब ये बात को बोला, बोले इसलिए तो हम बोल रहे थे तू छोटा बच्चा नहीं समझोगे, तू जा। बोले यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो चीज को समझ रहा हूँ ये चीज को तुम लोग नहीं समझ रहे हो। बोले कौन सा चीज, बोले तुम लोगों ने, बोले मर गया, मर गया मतलब कहीं गया फिर वापस आएगा ना। बोले नहीं, वो जहां पर गया वहां से कभी वापस नहीं आएगा। बोले जब जहां पर गया जब वापस नहीं आएगा फिर रो रहे क्यों,
रोने तभी रोने का तभी सार्थकता जब कोई चीज आए, जब ये आएगा नहीं क्या आएगा नहीं फिर रो रहे क्यों, रो रहे हैं क्यों, क्या बात है, रो रहे हैं क्यों। तो बोले देखो बेटा इसके जो आत्मा थी ना वो आत्मा चली गई। बोले ओ आत्मा चली गई। बोले हाँ। बोले आत्मा को देखे हो, वो काला था ना गोरा था, मोटा था ना लंबाई चौड़ाई था, देखे हो। बोले नहीं। बोले नहीं। बोले जो चीज को तुम कभी देखे ही नहीं उसी चीज के लिए कोई कोई विद्वान लोग इसके लिए रोते हैं, जो बेकूफ होते हैं ना वो लोग उसके लिए रोते हैं, जो चीज को कभी तुम लोग देखा ही नहीं उसके लिए रोना क्या है। और अभी तक जिसको तुम देख रहे थे वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ तो पड़ा हुआ है ना, है यहाँ पड़ा हुआ, जिसको कोई पिता बोल रहा था, कोई पति बोल रहा था, कोई बेटा बोल रहा था, ये तो पड़ा हुआ है, वो यही पड़ा हुआ है ना। जो ये पड़ा हुआ है इससे बात कर, जो जिसको देखा था अभी तक वो तो पड़ा हुआ, और जिसको देखा है नहीं उसके लिए रोना तो देखो मूर्ख लोग का बात है। जब ये सब बात बोले ना उनका कान खड़ा हो गया। बोले बच्चा तो सही बता रहा, ये तो बात, ये तो कोई गलत बता नहीं रहा, ये तो बात तो सही बता रहा है। फिर उन्होंने जब महाराज ने उनको एक कथा सुनाई, सावधान से कथा सुनो, स्टोरी सुनाता हूँ। बोले सुनाओ क्या सुनाओगे। बोले एक समय एक कबूतर और एक कबूतरी बड़े प्रेम से दोनों रहते थे, हैं चोंच में चोंच लगा करके, मुंह में मुंह लगा कर चुंबन करती थी और बड़ी प्रसन्न थे, जीवन अपना बिता रहे थे कबूतर कबूतरी, हैं कबूतर कबूतर पारा पा रहा जब कबूतर कबूतर दोनों रह रहे थे। अभी इतने में क्या हुआ, अभी कबूतर ने अंडा दिया घोंसले में, अंडा दिया तो अभी अंडा फूटा तो अभी उससे बच्चा निकला। अभी वो बच्चे को रख करके ये कबूतर कबूतरी उन्होंने उनके लिए आहार चुनने के लिए गए, उनके लिए आहार लेने के लिए गए, बड़े होते उनके लिए उन्होंने आहार लेने के लिए गए। जब आहार लेने के लिए गए एक जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, एक बहेलिया ने एकदम सुंदर सुंदर एकदम मोती जैसे चावल के खिड़के को उन्होंने वहां बिखार बिखार करके जाल बिछा करके एक पेड़ को नीचे बैठा हुआ चुप करके हैं। इतने में जो कबूतर कबूतर ने देखा, देख करके बोले बड़े सुंदर चावल एकदम है एकदम मोती जैसे चावल का खिड़के, चलो कबूतरी कह रहे हैं कबूतर को, बोले चलो दोनों उड़ते हुए जाएंगे और खाएंगे भी और बच्चों के लिए भी दाना ले जाएंगे। इतने में कबूतर ने कहा बोले सावधान कबूतरी, सावधान क्या चीज के, देखो ना कितने सुंदर मोती जैसे हैं। बोले देखो यहाँ पर थोड़ी कोई सेठ साहूकार थोड़ी है, कोई जमींदार सेठ थोड़ी यहाँ पर, जो कि हमें खिलाने के लिए जैसे सेठ लोग होते ना हैं, चावल का गेहूँ देते हैं खिलाते, जंगल में कौन सेठ साहूकार जो कि हमारे लिए यहाँ बिछाएगा। मुझे ऐसे लगता है कोई बहेलिया ने हमको पकड़ने के लिए यहाँ पर जाल बिछाया और यहाँ पर हाँ मोती जैसे चावल खिड़का को यहाँ बिखार कर रखा, ऐसे हो ना हो हम दोनों फंस जाए। इतने में कबूतर ने कहा बोले पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं, हर चीज में शंका करते हैं, हर चीज में शंका करते हैं पुरुष लोग, अरे सामने बिखरा हुआ चलो खाएंगे लेकर चलेंगे। इतने में कबूतर ना कबूतर का बात सुना ही नहीं, इतने में कबूतर फर करके उड़ते हुए गया और जा करके ना दाना चुगने लग गया। जब दाना चुगने लग गया सचमुच से वो बहेलिया वो जाल बिछा करके दाना को बिखार करके बैठा हुआ था, इतने में जब उसने खाने लग गया ना छट जाल को खींच गया, जाल को खींचते ही जाल तो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो कबूतर ही नीचे फंस गई, फंस गई तो इतने में रोने लग गई कबूतरी। बोले आप सही बता रहे थे, मैं मानी नहीं फंस गई, अभी क्या होगा तो मरने वाली। इतने में जो कबूतर बैठा हुआ था ना वो भी फर करके उड़ते हुए आया, कबूतरी अंदर में और कबूतर बाहर, और दोनों दोनों में चोंच लगा करके हम बचपन से कैसे एकट रहे, दोनों कैसे पति पत्नी कैसे बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, अभी बच्चे दिया इसलिए कबूतर कह रहा है। बोले कबूतरी अगर तू रहती ना ये बच्चों को तो तू पाल लेती, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो बच्चों को पालने मेरे को नहीं आता है, तू ही बच्चों को पाल लेती, काल देखो कैसे तेरे को कैसे ले लिया, मैं मर जाता तो अच्छा रहता, अगर तू जिंदा रहता तो अच्छा रहता,
मैं मर गया तो अभी ये कैसे, ये बच्चों को कौन पालना करेगा। वो उसको चोंच में ना चोंच लगा करके ऐसे डूब गया। और वो जो बहेलिया था पेड़ को आड़ में देखा, ये कबूतर भी पागल हो गया कबूतर की प्रेम में। उसने उठाया धनुष, उठा करके जो कबूतर था ना, उठाया धनुष और मारा। मारते ही कबूतर का छाती को भेद गया, भेद गया तो उसने काल हंसते हुए आया और दोनों को टांग को पकड़े बांधा और जाल में फंसाया। बास हंसते हुए गया और उसको काट कुट करके उसको खा लिया है। यहाँ पर जब महाराज उनको सुना रहे, किनको, उनका जो रो रहे ना वो उनको सुना रहे, बोले देखो ये तो गया गया, ये तो गया गया, और तुम लोग क्या कर रहे हो उनको प्रेम में, तुम भी यहाँ पर पागल बन करके रो रहे हो। जो काल है ना ऊपर देख रहा है, ये काल ऊपर से देख रहा है, अरे ऐसे बाण मारेगा ना वो तो गया गया, तुमको भी लग जाएगा। इसलिए जब उन्होंने ये सब कथा सुना है ना, उनका जो एक पत्नी थी वैष्णवी है, वो जो उनका शरीर के ऊपर हाथ रख करके बैठी हुई थी, उसने ये कथा सुनते हाथ को निकाल दिया डर से है। और सचमुच से काल ऊपर में बैठा हुआ खाने के लिए, उसने हाथ जब निकाल दिया ना तो जब महाराज थे ना बस उसको लेकर चले गए है, उसको लेकर के चले गए। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं है कि जो आत्मा है ये मरने वाले नहीं, जन्म लेने वाले नहीं, आग में है जलने वाले नहीं, सूखने वाले नहीं, ये छह विकार से आत्मा अतीत है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्रीवास पंडित ये कौन है, बोले तत्वज्ञ, ये तत्वज्ञ है। तत्वज्ञ होने के नाते उनको पता है ये शरीर तो मरा हुआ है ही है, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा इससे अतीत है, लेकिन शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ। इसलिए बोले अंतकाली सुकृत सकृत सुन ले जार नाम, अति महापातक यो जाए कृष्ण धाम। यहाँ पर श्रीवास पंडित सोच रहे हैं, बोले अंत काले सकृत सुन ले जार नाम, अंतिम समय में एक बार अगर कोई भगवान का नाम को सुन ले तो अति महापातक यो जाए कृष्ण धाम। बल अति महापातकी, पातकी नहीं बल्कि जो महापातकी भी पापी से भी बड़ा पापी होने पर भी कहाँ जाता है, जाए कृष्ण धाम, वो भगवान का धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए सत्य पुनाति सत धर्मम जानती विश्व, बोलो जानती विश्व द्रोह भी। इसलिए कह रहे हैं जो भगवान का नाम को श्रवण मात्र से ही है क्या होता है, कत सत्य पुनाति सत धर्मम, कत जीव का सारे पाप नष्ट हो जाता है और अपना आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होकर के जानति विश्व द्रोह भी, वो व्यक्ति विश्व द्रोह क्यों नहीं हो, वो भी भगवत धाम को गमन करते हैं। इसलिए ये चीज किसको पता, बोले श्रीवास पंडित को पता। और यहाँ पर फिर कौन यहाँ पर है, बोले साक्षात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, जिनके घर में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। और वो बच्चा और जहाँ पर श्रीवास पंडित गदाधर नित्यानंद अद्वैत बड़े से बड़े भक्त हैं, जहाँ पर स्वयं बलदेव प्रभु है, जहाँ पर स्वयं राधा रानी, जहाँ पर स्वयं सदाशिव है, जहाँ पर स्वयं राधा रानी सबके सब भक्त जहाँ पर विद्यमान, और उनकी मुंह से प्रभु की नाम कीर्तन सुनते 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 अगर कोई अंतिम श्वास को त्याग दिया, वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है। और बचपन में जिन्होंने भगवान को दर्शन किया, सारे भक्तों को दर्शन किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्रीवास पंडित, बोले जिनकी नाम सुनने पर जीव भगवत गति को प्राप्त करता है। और यहाँ पर साक्षात नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ ये भाग्य मेरे भी हो। एक दिन तो मरना ही है, लेकिन साक्षात महाप्रभु के सामने मरना कोई साधारण बात है, कीर्तन सुनते सुनते, इसलिए कितना बड़ा भाग्यवान है, हैं? संबरित ना पर। इसलिए यहाँ पर श्रीवास पंडित ने कहा देखो तुम लोग अभी चुपचाप रहो, क्योंकि अगर जोर जोर से रहोगे ना, अभी महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, अभी उनको नृत्य कीर्तन में बाधा पड़ेगा। अगर बाधा पड़ा मेरे महाप्रभु अगर नृत्य कीर्तन बंद कर दिया, एक बेटा तो गया,
मैं भी गले में कलसी बांध करके गंगा में डूब मरूंगा। अगर महाप्रभु का नृत्य कीर्तन अगर बंद हो गया तो, इसलिए जब उनने ऐसे बोले ना, अभी ऐसे सुनते ही थोड़ा रोना थोड़ा कम कर दिया, रोना फिर अंदर अंदर में रोते रहे, हैं अंदर अंदर रोते रोते रहे। फिर श्रीवास पंडित आए और आकर के पहले जितने खुश थे, पहले जैसे महाप्रभु का नृत्य कीर्तन में जैसे नाच रहे थे गा रहे थे, पहले जितने खुश थे अभी उससे ज्यादा खुश होकर के हरि बोल निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, उससे भी और ज्यादा खुश होकर के नाच रहे गा रहे हैं। अगर हम लोग होते तो क्या होता है? जितना घर में ठाकुर भाकुर ना सब निकाल कर फेंक देते, जा अभी तक तुम्हारी इतना सेवा पूजा किया है, इसलिए हमारे एक कोई भक्त था उसका बेटे को सांप काट दिया, सांप काट दिया तो शरीर छोड़ दिया, छोड़ दिया तो हमारे पुरी में उसने जगन्नाथ मूर्ति फूर्ति जितना फटो फटो ठाकुर था ना उसको निकाल कर घर को बाहर फेंक दिया, जा तेरे को पूजा पूजा तेरे को पूजा पूजा और हम नहीं करेंगे है। इसलिए साधारण व्यक्ति है ना, लेकिन जब तक ऐसे भक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो ना, जब तक भक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो बड़ा कठिन है, है? इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक उसको उच्चा गति प्राप्त नहीं हो, भक्ति की उच्चा टेस्ट नहीं मिले, तब तक ये चीज को संभालना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए अभी अभी भक्तों लोगों को पता चल गया, श्रीवास पंडित का एक जो बेटा था उसने शरीर छोड़ दिया, भक्तों को भी पता चला, लेकिन भक्त लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे, बोले क्यों नहीं बोल रहे, बोले महाप्रभु का भक्ति कीर्तन में बाधा पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु तो सर्वंतर जब तो सब जानते हैं, महाप्रभु बोले श्रीवास आज मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा है, हर दिन जैसे कीर्तन में आनंद होता था रस आता था, आज मेरे मन में ऐसे आनंद आ ही नहीं रहा है, क्या तुम्हारे घर में कोई अनहोनी हुई है, तुम्हारे घर में कोई अमंगल हुआ है? इतना बोलते ही इतने में श्रीवास पंडित बोले, पंडित बोले प्रभु मोर के न दुख जार घरे सुप्रसन्न तुमार श्रीमुख है। श्रीवास पंडित क्या कह रहे, बोले प्रभु, पंडित बोले प्रभु मोर कौन दुख, बोले मेरे को किस चीज के दुख है, मेरे को किस चीज के दुख, बोले क्यों, बोले चार घरे सुप्रसन्न तुम्हारे श्रीमुख, जहां पर तुम स्वयं आनंदित होकर के नृत्य कीर्तन कर रहे हो, वो घर में कभी दुख हो सकता है, कभी कभी दुख हो ही नहीं सकता है। तब और जितने भक्त लोग थे ना, सब भक्त लोग ने तब उन्होंने बोले प्रभु श्रीवास पंडित का जो एकलौता संतान था है उसने शरीर छोड़ दिया है, इसलिए आपका कीर्तन में रस भंग हो जाएगा, इसी डर से किसी ने बोल नहीं रहे थे। कितना कितना समय हो गया, बोले ढाई प्रहर हो गया, ढाई प्रहर मतलब कितना करके तीन तीन छह, ढाई प्रहर कितना हो गया, तीन तीन छह घंटा, सात साढ़े सात घंटा, इसलिए करके ढाई प्रहर हो गया, साढ़े सात घंटा हो गया, बच्चे को प्राण त्याग करते हुए। इतना सुनते ही महाप्रभु ने महाप्रभु उसको सुन गई कि इतने महाप्रभु प्रसन्न हुए, मतलब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, पुत्र शोक ना जानी लो जे महारे प्रेमे हिम्मत संग मोहि छाड़ी वो के मन, श्रीवास पंडित के लिए कह रहे हैं, बोले पुत्र शोक ना जानी लो जो महारा प्रेमे, कभी जिसने मेरे प्रसन्नता के लिए मेरे सुख के लिए अपना बेटा का सुख को भी जो तिलांजलि दे दिया, अपना बेटा का सुख, बेटा कितना प्यारा होता है जीवन में, घर गृहस्थ में बेटा ही तो सब कुछ होता है ना, क्योंकि पिता को पता मेरे बाद में मेरे बेटा ही मेरे मुंह में मुखाग्नि देगा, मेरे को पिंड देगा, घर मकान सब संभालेगा, बेटा होगा शादी होगा नाती पोती होगी, पिता का बेटा ही तो सब कुछ होता है ना साधारण संसार में, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जिसने मेरे प्रीति के लिए मेरे सुख के लिए क्या किया, जिसने अपना बेटा का सुख को भी जिसने तिलांजलि दे दिया है, कहते ऐसे संग को मैं कैसे परित्याग दूंगा। इसको सुन करके ना जितने महाप्रभु का भक्त लोग वहां पर थे,
हैं, सारे भक्त लोग तो रोने लग गए, चिंता में लग गए। बोले क्यों महाप्रभु क्या कह रहे हैं? एमत संगम हुई छाड़ी बके बने, मतलब ऐसे जो संग है भक्त हैं, जिसने मेरे प्रति के लिए अपना बेटा का सुख को भी त्याग दे दिया, ऐसे संग को मैं कैसे त्याग दूं? मतलब महाप्रभु जो सन्यासी ग्रहण करेंगे, महाप्रभु यहाँ पर इशारा कर दिया, इंगित कर दिया, मैं सन्यासी ग्रहण करने वाला हूँ। इस चीज को भक्त लोग सुन करके बोले मृत सितुपति प्रभु बोले बचत श्रीवासरे घर छाड़ी जाओ की कारण है। इतने में महाप्रभु बोले चलो चलो देखते हैं, हैं? चलो देखते हैं। वहां पर गए, देखा श्रीवास पंडित का बेटा लेटा हुआ, उसको ऊपर में के सफेद कपड़ा उपकरण ढका हुआ। तो महाप्रभु उसको छाती पर हाथ रखे, हैं? महाप्रभु उसको छाती पर हाथ रखी और हाथ रखते ही ना बेटा दोबारा जिंदा हो गया। देखो इसको कहते भगवान, इसको कहते भगवान, भगवान किसको कहते हैं? बोले अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सक्यते सैव ईश्वरं, मतलब हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते, दिन को रात, रात को दिन जो कर सकते हैं, जिंदा हुआ व्यक्ति को मार सकते, मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते, वो भगवान है, उसको भगवान कहते हैं, हैं? इसलिए प्रकृति प्रलय से वो साबाती भगवान उचित इसलोग याद है नहीं ना। इसलिए शास्त्र में बताया है भगवान किसको कहते हैं, भगवान के डेफिनेशन किया। इसलिए भगवान कृष्ण भी तीन बार भी उन्होंने मरे हुए भक्तों, मरे हुए व्यक्ति को भगवान कृष्ण तीन बार भगवान भी बचाए। कहाँ कहाँ तीन बार बोलो, भगवान तीन बार कहाँ कहाँ मरे हुए बच्चों को कहाँ पर जिंदा किया बोलो, किसको किसको? इसलिए उन्होंने पहला बार उन्होंने बचाया जब कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे शांति बनी घर में, उन्होंने 64 दिन में जब उस 64 विद्या को उन्होंने पूरी कर दिया। एक दिन शांति पंडित से अपने पत्नी से चर्चा कर रही है, बोले पत्नी ये जो कृष्ण बलराम है ना ये साधारण नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को जैसे कोई सीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी करता है, देखना वो पूरा जीवन तक वो पढ़ते 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 एक सब्जेक्ट को फिनिश नहीं कर पाता है, एक सब्जेक्ट को फिनिश नहीं कर पाता है। इसलिए जगत में कितना ऐसे सब्जेक्ट, बोले 64 64 कला बताया गया, जैसे साइंस आर्ट्स मैथमेटिक्स जितने हैं जगत में, जितने कला गाना भाना जितने कला हैं उसको पूरा 64 विद्या। लेकिन कृष्ण ने 64 दिन में उनने पूरा 64 विद्या का अध्ययन किया। आज जो गुरुजी एक सूत्र देते थे, दूसरे दिन जब कृष्ण आते थे गुरुजी को जो बात नहीं कृष्ण बात को बोलते थे सूत्र वृत्ति टीका को साथ में, गुरुजी सोचते थे इसको तो मैं बताया नहीं, सब कहां से बोल रहा है। इसलिए उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या का अध्ययन किया। इसलिए शांति बनी ऋषि पत्नी से कह रहे हैं ये जो कृष्ण ये जो बलराम दोनों भैया है ना, ये दोनों भैया साधारण नहीं भगवान लगते हैं, लेकिन इनको परीक्षा करेंगे सचमुच से ये क्या भगवान है। बोले क्या परीक्षा करेंगे? बोले जाते समय गुरु दक्षिणा दे करके जाएंगे, ऐसे चीज गुरु दक्षिणा रूप में मांगेंगे जो साधारण जीव के लिए असंभव है, ऐसे चीज मांगेंगे। अगर वो चीज देंगे तो समझ गए भगवान। बोले क्या मांगेंगे? बोले हमारे बचपन में हमारा जो बेटा मर गया, हम बोलेंगे मरे हुए बच्चे को वापस लाओ। अगर वो भगवान होंगे तो क्या करेंगे? मरे हुए बच्चे को भी वापस लाएंगे। सचमुच से जब उन्होंने मरे हुए बच्चे को मांगे ना, स्वयं कृष्ण गए। कहां पर? पहले तो सोचे शंखासुर से याद ले गया, पहले शंखासुर को बंद करके 5000 ने शंख को ग्रहण किए, फिर उन्होंने जम महाराज के पास में गए और वहां पर उन्हें शंख बताया और शंख ध्वनि सुनते ही स्वयं जम थरथर 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 कांपते कांपते आए, बोले लगता है मेरा बारी आ गया, मेरा नंबर आ गया, क्योंकि उन्होंने सभी का अहंकार को चूर्ण किया, इंद्र के ब्रह्मा के सारे देवता को अहंकार को भगवान जगन्नाथ ने सबका अहंकार को दमन किया, लगता है मेरा बारी आ गया।
कांपते कांपते आए, बोले प्रभु क्या चाहिए? बोले मेरे गुरु जी के बेटे को वापस लाओ। उन्होंने तो लाए और मरे हुए चमपुरी से उन्होंने मरे हुए बच्चे लाए। शांति बनी, बोले बहुत लोग तो गुरु दक्षिणा दिया, बेटा तूने जैसे गुरु दक्षिणा दिया गुरु दक्षिणा कोई दे ही नहीं सकते हैं। फिर जब देवकी को ये बात पता चला, उसने मृतक पुत्र को लाए, बोले बेटा कंस भी मेरे छह छह बच्चे को मार डाला है, मेरे मन में इच्छा एक बार देखो, छह बच्चों फिर ले भगवान। फिर जब द्वारका में लीला कर रहे थे, ब्राह्मण का बेटा जब जन्म होते ही मर जाता था, वहां पर भी जाकर महाकालपुर से, वहां से भी भगवान के पास से, नारायण के पास से, सारे बच्चों को, जितने बच्चे मरे थे सब बच्चों को भगवान लेकर गए। कभी ये भगवान है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे मरे हुए बच्चों को जिंदा किया। एक तो श्रीवास पंडित का बेटा है, इसलिए जब उसको छाती पर हाथ रखे ना, हाथ रखते ही वो जिंदा हो गया। बेटा जिंदा हो गया, जब जिंदा हो गए तब महाप्रभु ने पूछा, बोले श्रीवास घर छाड़ी जाओ की कारण है? बताओ तो श्रीवास का घर छोड़कर किस लिए तुम जा रहे हो? वो क्या कहता है? शिशु बोले प्रभु जेन निर्बंध तुमार अन्याय करित शक्ति अच्छा कार। बोले प्रभु तुमने जो निर्बंध मतलब तुमने जो लिख दिया है, जगत में से किसका हिम्मत है, हैं किसका शक्ति है उसको अन्यथा कर सकता है? जिसने तुमने जो कुछ लिख दिया है, जीव का कर्म में जो कुछ लिख दिया उसको तो भोगना पड़ेगा ही, उसको कोई नहीं टाल सकते हैं। इसलिए तुमने कृपा करके जितना दिन यहाँ रखना था तुमने रख लिया, मैं बड़े भाग्यवान हूँ जो कि तुम्हारे भक्तों के घर में जन्म लिया, श्रीवास पंडित घर में जन्म लिया, बचपन से तुम्हें दर्शन किया, तुम्हारे भक्तों को दर्शन किया, तुम्हारी कीर्तन नाम कीर्तन को दर्शन किया, मेरे जैसे कोई सौभाग्यवान हो सकता? इसलिए प्रभु इतना आशीर्वाद, इतना ही कृपा करो, जहाँ कहीं भी मेरी जन्म हो तुम्हारी भक्त घर में जन्म जैसे हो है। इसलिए भक्त घर में कुत्ते बन करके भी जन्म लेना बड़े भाग्य की बात है। इसलिए कहते हैं वैष्णव घर यदि हैताम कुकुर तब एंठो दिया ताराय तब वैष्णव ठाकुर। वैष्णव अगर घर में अगर कुत्ता बनकर जन्म हो जाए, कुत्ते को क्या खिलाते हैं? जो वैष्णव के घर का पहले जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, फिर बलदेव प्रभु सुभद्रा देव जी खाएगी, फिर सारे गुरु वर्ग उसके बाद में खुद खा करके जो फेंक देगा कुत्ता तो वही खाएगा ना। कुत्ता कितना सौभाग्यवान, देखो किसी वैष्णव को बोलो प्रसाद तो सहज में नहीं देगा, लेकिन कुत्ता होने पर सारे प्रसाद उसको ही मिलता है। कुत्ता बन तो क्या काम पर बने, भक्तों का घर में कुत्ते बना बास, अगर कुत्ते बने जाएंगे ना प्रसाद खा खा कर अपनी हमारी उधार हो जाएगा, हमारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते प्रभु जो कुछ तुम करो हैं, इसलिए अपना भक्तों के चरण में स्थान दो, आपकी चरण में भक्ति हो, भक्तों घर में जन्म हो, हरि कथा मिले हैं। इसलिए जगत का तू तो असली पिता माता तुम ही हो ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधु सखा, असली तुम पिता माता तुम ही असली पिता माता हो। इसलिए प्रभु जैसे कभी तुमको जैसे भूलो नहीं, आमी नित्यानंद तुई नंदन तुमार चेते तुम्हें बता के जो ना भावी बात। महाप्रभु हैं, महाप्रभु वरदान दे रहे हैं श्रीवास पंडित को, बोले श्रीवास पहले तुम्हारी एक बेटा था ना, आज से हम तुम्हारे दो बेटे हो गए, आज से एक नित्यानंद प्रभु और एक मैं, आज से हम तुम्हारे दो बेटे हो गए, सचमुच से ये दो बेटे जैसे हो गए। नित्यानंद प्रभु उनके घर में रहते थे मालिनी के, नित्यानंद बहुत बड़े हो गए, कभी नंगे हो जाते थे, और जैसे कि माँ किसी बच्चे को खिलाती है ऐसे ही श्री मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु का अपना हाथ से खिलाया करती थी, हैं हाथ से खिलाया करती थी, और सचमुच से उन्होंने उनकी दोनों बेटे हो गए। कहते यहाँ कहते अगर ये जो कथा को अगर कोई श्रवण करता है ये कथा को, कहते उसको फल क्या है, हैं कहते फल क्या है, इसका फल है उसको एक दिन भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अगर ये कथा को कोई श्रवण कर तो प्रेम रसे प्रभुर संसार नाहिस्पुरे अन्य रखिदाय विष्णु पूजित ना परे स्नान करी बसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते प्रेम जल सकल श्री अंग वस्त्र दिते। महाप्रभु हैं कहते हैं जब उन्होंने पूजा करने के लिए बैठते हैं, घर में महाप्रभु का सालग्राम था, अधोक्ष जो सालग्राम
महाप्रभु जब उनको पूजा करने के लिए बैठते थे बास, महाप्रभु बास सालग्राम को दर्शन करते, काले बास उनको कृष्ण की स्फूर्ति होता था, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में जैसे रोती थी, ऐसे महाप्रभु को दर्शन करते ही महाप्रभु का आंखों से अश्रुओं की झरी लग जाती थी और महाप्रभु का जितने सारे कपड़े होते थे सारे कपड़े भीग जाते थे, महाप्रभु पूजा नहीं कर पाते थे। एक बार कपड़े को फिर बदला करके फिर दो बार बैठते पूजा करने के लिए, फिर रोते तो फिर कपड़ा भीग जाती है, करते 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 महाप्रभु लास्ट में कहते, बोले गदाधर और मेरे से ये पूजा नहीं होगा आज से, ये ठाकुर को पूजा तुम करो। तब से गदाधर पंडित जी हैं, तब से गदाधर पंडित जी उसको पूजा करते थे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले श्रीवास पंडित की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। पंचाकृत कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।